एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 2 को। ओके, इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो देख लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली मेरे क्लास 7 के प्लेलिस्ट में जाकर के पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, तभी आप लोग पार्ट 2 वीडियो पे आए। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, मैंने अच्छे से आपको पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, सिंपली आप अगर इसे जनरल जो है डेली लाइफ में देखो तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपके घर में भी कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करता होगा। ट्रांसपोर्ट क्या है कि एक जगह से कोई भी दूसरी जगह हम चीज़ें ले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें ले जाई जाती है ना वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आता है। जैसे कि हमें एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई भी सामान भेजना होता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही जाते हैं ना, गाड़ी के द्वारा जाते हैं, बसेस के द्वारा जाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट है। तो ये तो हो गया कि ठीक है, हाँ जनरली हम सामान भेजते हैं एक शहर से दूसरे शहर, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स एंड प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स के बॉडी में जो है कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होती है, कौन कौन सी चीज़ें का एक जगह से दूसरी जगह जो है जाती है, किसके थ्रू जाती हैं, इस बारे में ही हमारा ये चैप्टर है। तो हमने पार्ट 1 में आपको अच्छे से बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है आपके कौन कौन से ऑर्गेन आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे थे कि हर्ट जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो रोल प्ले करता है आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सारी चीज़ों को। तो जो ब्लड है हमारा, ठीक है, तो ब्लड जो है वो काम करता है एक जगह से दूसरी जगह सारी चीज़ों को ले जाने के लिए, जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो हमने कहाँ तक देख लिया था पार्ट 1 वीडियो, हम यहाँ पर हर्ट तक देख लिया था हमने, ठीक है। तो हम जो है हर्ट पे चैम्बर्स देख रहे थे। ओके, कहा जा रहा था कि व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग, द हर्ट हैज 4 चैम्बर्स। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था द हर्ट हैज 4 चैम्बर्स, एंड नेक्स्ट लाइन से हम आज पार्ट 2 वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एज ऑलवेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब का आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोज जो है वो आगे फ्यूचर में मिलती रहे। एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए, कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ऑक्सीजन रिच ब्लड का जो है हम यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, हम एक्सहेल करके निकाल देते हैं। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है, बॉडी में ही है, तो ये एक दूसरे से मिक्स ना हो उसके लिए क्या फंक्शन है हमारे हर्ट में। तो हमारे हर्ट में इसके लिए जो है ऐसा ना हो, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हमारे जो हर्ट है उसमें 4 चैम्बर हैं, यानी कि एक तरह से समझिए 4 घर टाइप से हैं, 4 चैम्बर्स हैं। ओके, द टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द एट्रिया, जिसे सिंगुलर फॉर्म में हम एट्रियम कहते हैं, ठीक है, एंड प्लूरल एट्रिया है। एंड द टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, फिगर 11.4। फिगर 11.4 में हमको एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों दिखाया गया। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, एंड यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है एंड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स टू अवॉइड, ये आपका ह्यूमन हर्ट जो होता है इसका ये डिटेल जो है आपको फिगर है। ओके, यहाँ पे आपका वेना केवा है, यहाँ पे अरोटा है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, एंड लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। हमने देख लिया था ना पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, इन सबका फंक्शन अच्छे से हमने देखा था, आर्टरीज एंड वेन्स का फंक्शन क्या होता है। ओके, टू अवॉइड मिक्सिंग अप द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चैम्बर्स हैं इनका पार्टीशन की वजह से ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड से मिक्स नहीं होते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हर्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज। ओके, तो आपको हर्ट का फंक्शन समझने के लिए 11.3 में जो यहाँ पे हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था पार्ट 1 वीडियो में पहले ही, कि ये आपका जो है लंग्स है, यहाँ पे जो है हम इनहेल करते हैं, जो भी ऑक्सीजन जो है आता है हमारे लंग्स में, फिर वहाँ से जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपके हर्ट तक आता है, फिर जो है वहाँ से आर्टरी कैरी करती है आपके उसको, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, एंड फिर इधर से जो है इस तरह से वेन के थ्रू होते हुए
जो है आपका इस तरह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिच ब्लड पहुँचता है, एंड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को जो है फिर से लंग्स तक लेके जाती है, एंड फिर लंग्स से हम एक्सहेल करते हैं तो फिर वो बाहर चले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इस तरह से कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, हमने अच्छे से पार्ट वन में भी देख लिया था। और यहाँ पे जो एरो दिखाए गए हैं, जैसे कि लंग से आया आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड हर्ट तक, तो ये एरो यहाँ पे ये दिखा रहा है यानी कि पल्मोनरी वेन लेकर के आया, फिर यहाँ से आर्टरी उस ब्लड को लेकर के यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से जो है वेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के आपके लंग्स तक जाती है, ठीक है। द एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हर्ट to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body, ठीक है। तो वो एरो यही दिखा रहे हैं कि लंग से हट जाएगा, हार्ट से फिर लंग में जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे वो पंप होते जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर हर्ट बीट, ठीक है। अब जो है हर्ट बीट आपने वर्ड सुना ही होगा, यानी कि जो हमारा दिल धड़कता है उसी को हर्ट बीट कहते हैं। ओके, तो द वॉल्स ऑफ द चैम्बर ऑफ द हर्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स, तो हर्ट का जो चैम्बर्स हैं उनके जो वॉल होते हैं वो मसल्स के बने होते हैं, यानी कि मांसपेशियों के होते हैं, ठीक है। एंड दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली, और यही मसल्स जो है ना जो है सिकुड़ते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं एक रिदम में। तो दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हर्ट बीट, तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है जो कि फिर उसमें रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, हर्ट बीट कहते हैं। ओके, तो रिमेंबर डेट हर्ट बीट कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, और ये भी आप याद रखो कि अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसका दिल धड़क रहा है, अगर दिल धड़कना बंद हो जाता है यानी वो इंसान जिंदा नहीं है, तो हम इससे भी कंसिडर करते हैं कोई इंसान जिंदा है कि नहीं जिंदा है। डॉक्टर जो है दिल देखते हैं सबसे पहले कि हर्ट बीट उसकी चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। तो इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हर्ट बीट, तो अगर आप जो है अपने हाथ को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में जो है रखेंगे तो आप अपने हर्ट बीट को जो है फील कर पाएंगे, जैसे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन धक 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 इस तरह का कुछ आपको जो है सुनाई देगा। तो डॉक्टर फील्स योर हर्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप, तो डॉक्टर जो है आपके हर्ट बीट को सुनते हैं किसकी हेल्प से, स्टेथोस्कोप की। गए ही होंगे आप डॉक्टर के पास, एंड डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, आपको कुछ भी जो है इलनेस होती है सबसे पहले डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं और अपने कान में आपकी हर्ट बीट सुनते हैं। ओके, डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हर्ट, और डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं जिससे कि वो आपके हर्ट के साउंड को एम्पलीफाई कर सके, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस डेट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम, तो इस जो है आपका जो स्टेथोस्कोप होता है उसमें क्या होता है, ये चेस्ट पीस होता है जिसको कि आपके चेस्ट पे लगाया जाता है, होता है ना इस तरह से राउंड राउंड शेप में जिसको डॉक्टर आपके चेस्ट पे लगाते हैं, एंड इस तरह से ये ट्यूब होता है और फिर ये जो होता है ईयर पीस इसे वो अपने कानों में लगाते हैं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस डेट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राम टू ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब ज्वाइनिंग द पार्ट्स, और दो ईयर पीसेस होते हैं इस तरह से। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हर्ट बाई लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, तो आपकी हेल्थ के बारे में कंडीशन जो है पता लगाते हैं डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप के थ्रू ही, ठीक है। लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल डेट आर अवेलेबल अराउंड अस, तो चलिए यहाँ पे अब एक्टिविटी है जिसमें हमें जो है स्टेथोस्कोप बनाना है हमारे आसपास की चीज़ों से ही, ठीक है। तो कैसे बनाना है, टेक अ स्मॉल फनेल ऑफ 6 to 7 centimeter इन डायमीटर, तो आपको एक फनेल लेना है इस तरह से, यहाँ पे आपको फनेल दिखाई दे रहा है, ये फनेल लेना है आपको जो कि 6 to 7 centimeter क्या है डायमीटर होना चाहिए उसका। फिक्स अ रबर ट्यूब 50 centimeter लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनेल, और क्या करना है आपको एक रबर ट्यूब लेनी है इस तरह से, ये रबर ट्यूब दिख रहा है ना ट्यूब की तरह, उसको जो है जो कि 50 centimeter लॉन्ग होना चाहिए और उसको जो है आपके इस तरह से फनल के एक एंड पे यहाँ पे फिक्स कर देना है। ओके, स्ट्रेच द रबर सीट ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली विथ अ रबर बैंड, और आपको जो है यहाँ पे आपको जो है एक एंड पे फनल के ये रबर जो ट्यूब था उसको आपको फिक्स कर देना है स्ट्रेच करके। ओके, और उसको जो है टाइटली वहाँ पे रबर बैंड से फिक्स कर देना है रबर बैंड लगा के। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर आइज, और उसका जो ये ओपन एंड वाला है इसको क्या करना है आपको अपने कानों पे लगाना है, जैसे यहाँ पे इस लड़के ने यहाँ पे इसे अपने कान पे लगाया है ना।
प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट, और फनल का जो माउथ है उसे आप क्या करो अपने चेस्ट के पास रखो, जिस तरह से जो चेस्ट पीस थी उसमें स्टेथोस्कोप में उसे आप डॉक्टर अपने चेस्ट पे लगाते थे, उसी तरह आप यहाँ पे फनल के माउथ पीस को जो है अपने चेस्ट के पास लगाओ, और जो उसका ट्यूब का एक एंड है उसे अपने कान में लगाओ। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, अब उसे आप सुनने का प्रयास करो। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, तो क्या आपको धक धक थम थम करने की आवाज़ जो है रेगुलर सुनाई देती है। द साउंड इज डेट ऑफ हर्ट बीट, तो ये जो साउंड आपको सुनाई देगी ना यही क्या है आपका हर्ट बीट है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हर्ट बीट इन अ मिनट, तो कितने एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 minutes, ठीक है। तो हम बार बार ऐसे 4-5 minutes तक आप काउंट करें। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, फिर कंपेयर करें कि हर मिनट आपने कितना काउंट किया अपने हर्ट बीट को, ओके। तो रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हर्ट बीट एंड डेट ऑफ योर फ्रेंड्स, तो आप अपना भी हर्ट बीट और पल्स रेट, पल्स रेट हमने देखा था, हम पल्स का पता लगाते थे अपने जो है पाम इस पे रिस्ट पे, ठीक है। तो अब अपने फ्रेंड का एंड अपना खुद का भी हर्ट बीट एंड जो पल्स रेट है उसे जो है रिकॉर्ड करें वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग, जब आप रेस्ट कर रहे हो या फिर जो दौड़ के आए हो उस टाइम, ठीक है। अलग अलग आएगा आपका, तो जब आप दौड़ोगे उस टाइम पे आपके हर्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, पल्स रेट जो है वो भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2, और आपको जो है यहाँ पे 11.2 में रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि जो स्टूडेंट्स के नाम है आपको यहाँ पे फिल करने हैं, और रेस्ट करते टाइम जो है उस स्टूडेंट का हर्ट बीट एंड पल्स रेट क्या है आपको यहाँ पे वो फिल करना है, और 4 to 5 minutes जो है रन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे हर्ट बीट एंड पल्स रेट को फिल करना है, ओके। फिर आपको ऑब्जर्वेशन जो है कंपेयर करना है सकी किसका हर्ट बीट ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड, ये तो हमने देखा। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हर्ट बीट एंड पल्स रेट, तो क्या आप जो है ऐसा अगर ऑब्जर्वेशन निकालते हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हो, तो क्या आपको अपने हर्ट रेट एंड जो है आपको पल्स रेट इसमें जो है आपको कोई रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ईच हर्ट बीट जनरेट 1 pulse इन द आर्टरीज एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हर्ट बीट, यानी कि हर हर्ट बीट, एक बार जो हर्ट बीट होता है, हर दिल धड़कता है, वो एक पल्स को जनरेट करता है आपके आर्टरीज में, और एक पल्स रेट जो होता है पर मिनट में जो पल्स रेट होता है वो आपके हर्ट बीट को दिखाता है, ठीक है। तो द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर ऑफ द हर्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा हर्ट है उसका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, बीटिंग हो रही है, वही क्या करता है ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाना करता है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का हमारी बॉडी में इसी के थ्रू जो है ब्लड के थ्रू फिर पहुँचता है, ठीक है। बुझो वंडर इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, तो यहाँ पे बुझो सोच रहा है कि स्पॉन्ज और हाइड्रा जो कि स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, क्या उनमें जो है भी ब्लड होता है, खून होता है। तो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ऐसे एनिमल जैसे कि स्पॉन्ज हो गए, जो हाइड्रा हो गए, इनमें जो है कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन एज इट एंटर देयर बॉडी, तो जैसे ही अपनी बॉडी को वाटर में रहते हैं, ठीक है, उसमें ले जाते हैं, तो वहीं पे उनको वाटर के थ्रू ही जो है इनको ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सारी चीज़ों को, फूड की चीज़ें जो भी हैं, तो इनको बॉडी में कुछ भी फैलाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं है। द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट, ओके। तो जो वाटर है ये भी इनके बॉडी से बाहर निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके बॉडी से बाहर निकल जाता है, ओके। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड अ सर्कुलेटरी फ्लूड लाइक द ब्लड, तो इसलिए इनको अपने इनकी बॉडी के अंदर जो है कोई सर्कुलेटरी फ्लूड नहीं चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी चीज़ों को पहुँचाने के लिए, ओके। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो चलिए हमने ये तो देख लिया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारे वेस्ट हैं हमारी बॉडी में, उसको हम किस तरह से रिमूवल करते हैं, उसकी उस हमारी बॉडी में उस तरह से जो है वो रिमूवल कैसे होता है उन सारी चीज़ों का, तो वो होता है एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी कि जो
जो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट हैं उनका जो है एक्सक्रीशन होता है, निकलते हैं वो हमारी बॉडी से, तो वो प्रोसेस जो है वेस्ट मटेरियल्स का हमारी बॉडी के से बाहर निकलना वो कहलाता है एक्सक्रीशन. ओके, रिकॉल हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. तो हमने ये देखा था ऊपर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वेस्ट है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से कैसे निकलता है, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस थ्रू जो है हमारी लंग्स से फिर से वो वापस बाहर निकल जाता है. तो ऑल्सो रिकॉल डैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव थ्रू इजेशन. और हमने ये भी देखा था जो हमारा फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर वो वेस्ट में चेंज हो जाता है येलो फेकल मैटर में, जो क्या होता है इजेशन के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है. ओके, लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो हमने ये देख लिया कि अनडाइजेस्टेड फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल रहे थे, और भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी में, वो कैसे बाहर निकलते हैं. तो यू मे वंडर वेयर दिस अनवॉन्टेड मटेरियल्स कम फ्रॉम. तो आप ये सोचोगे कि ये वेस्ट मटेरियल आखिर आते कहाँ से हैं जो इनको निकलने की जरूरत होती है इतने सारे. तो व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, तो जब हमारा सेल जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, सारे लिविंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज. तो उस टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होते हैं, एंड ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. इसीलिए इनको बॉडी में रहने की जरूरत नहीं है, इनको बॉडी से बाहर निकलने की जरूरत है. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके, तो वो जो प्रोसेस होता है वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल का, जो कि वेस्ट हमारे सेल्स में जो है, लिविंग सेल्स में जो है प्रोड्यूस होते हैं, उनका रिमूवल ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है. एंड द पार्ट इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम. और वो हमारे बॉडी के जो सब पार्ट्स हैं जो कि इस एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन में जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम. The waste which is present in the blood has to be removed from the body. तो जो भी blood में हमारे waste present होते हैं उनको हमारी body से बाहर निकलने की जरूरत होती है. How can this be done? तो ये कैसे हो सकता है? A mechanism to filter the blood is required. तो कैसे हो सकता है, अगर आप जो है ये देखो कि आप अगर कभी जो है चाय बनाते हो, ठीक है, तो चाय को क्या यूं ही आप कप में डाल करके पी लेते हो, नहीं करते हो ना, उसको क्या करते हो, उसमें चाय पत्ती रह जाती है, अदरक डालते हो तो अदरक रहता है, तो हमें उसे पीने से पहले उसे छानना पड़ता है, यानी कि फिल्टर करना पड़ता है, फिर जो है चाय छन्नी में जो भी वेस्ट होता है, चाय पत्ती होती है, अदरक इलायची जो हम डालते हैं, उसके दाने मतलब कि जो उनके खोखले होते हैं, वो सभी चाय छन्नी में रह जाती है, और जो हमारा क्लीन चाय होता है, ठीक है, वो फिर हम पीते हैं छान करके. तो उसी तरह से है कि हमारे ब्लड में जो है क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, वेस्ट भी होता है, तो उनको क्या होता है, उनको फिल्टर करने की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको छान लेने की ज़रूरत होती है, कि जो भी उनसे वेस्ट है उनको छान लो, और फिर जो है फिर प्योर ब्लड हमारे बॉडी में जो है वो फ्लो करेगा. तो दिस इज़ डन बाय द, तो एक मैकेनिज्म होता है इस तरह से हमारी बॉडी में भी, अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड. तो इस तरह से ब्लड को फिल्टर करने की जरूरत होती है, एंड दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी. और ये किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू, किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू ये काम होता है. तो व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो जब ब्लड जो है हमारी हमारे पास दो किडनी, आपको पता है ना, तो दो किडनी, जब ये दोनों किडनियों में जो है ब्लड पहुंचता है, तो ये ब्लड में हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं. ओके, तो द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इन टू द ब्लड. तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड द वेस्ट डिजॉल्व इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन. और जो वेस्ट जो है डिजॉल्व होता है वो क्या कहता है, वेस्ट जो है वाटर में डिजॉल्व होकर के यूरिन के थ्रू जो है वो बाहर, तो जो यूजफुल था वो ब्लड में डिजॉल्व होके बैक हो जाता है, एंड जो हार्मफुल सब्सटेंसेस था वो वाटर में डिजॉल्व होके एज अ यूरिन जो है वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लेडर थ्रू. तो किडनी से जो है यूरिन कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लेडर में जाता है. अब देखिए यहाँ पे किडनी का भी फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ये हमारे पास दो किडनीज हैं, है ना, तो इन किडनीज से जो है आपका जो यूरिन होता है, जो वाटर, ऐसा वाटर जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो कहाँ जाता है, इस तरह से ये यूरेटर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यूरेटर दिख रहा है, एंड ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में. ठीक है, यहाँ पे जाकर के ये जमा हो जाता है, फिर टाइम टू टाइम यहाँ से जो है इसका एक्सक्रीशन होता है, यहाँ से टाइम टू टाइम ये यूरिन जो है यूरिनरी ओपनिंग से जो है पास होकर के बाहर निकलती है, हमारे बॉडी से बाहर निकलती है. ठीक है, तो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू
ट्यूब लाइक यूरेटर्स, ओके। तो इसी यूरेटर्स यानी कि ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये यूरेटर्स है। तो किडनी से जो है वो यूरिन यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है, ओके। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल यूरिथेरा। और यहाँ से जो है ये यूरिथेरा के थ्रू, ये जो आपका यूरिथेरा है ये मस्कुलर ट्यूब है, यहाँ से फिर जो है आपका टाइम टू टाइम जो है इसका इजेशन होते रहता है यूरिन का, ओके। तो एन अडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 liter ऑफ यूरिन इन 24 hours। तो जो अडल्ट ह्यूमन बींग होता है वो नॉर्मली एक दिन में जो है आपको 1 से लेकर 1.8 liter ऑफ यूरिन जो है 24 hours में वो आपको पास करता है, यूरिन पास होता है उसके बॉडी से। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। और हमारे यूरिन में जो है 95% सबसे ज़्यादा वाटर होता है एंड 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो हमारे यूरिन होते हैं उसमें 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। तो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। तो हम ये भी एक चीज़ जानते हैं कि हम जो गर्मियों का दिन होता है उस टाइम हमें बहुत पसीना आता है, ठीक है, हम स्वेटिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा होती है। तो द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। तो जो वो स्वेट होता है ना वो क्या होता है, उसमें वाटर होता है एंड सॉल्ट होता है। कभी कभी अगर आप मिस्टेक से आपके मुंह में चले जाता है पसीना, इतने पसीना आपके सिर पे आ जाता है, कभी कभी आपके मुंह में चले जाता है, तो आपको नमकीन नमकीन सा उसका टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो बूझो है सीन डैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लॉथ। तो बूझो यहाँ पे देख रहा है, बूझो ने देखा है कि कभी कभी समर में क्या हो जाता है, हमारे कपड़ों पर जो है वाइट पैचेज हो जाते हैं। वाइट पैचेज होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं अक्सर, कौन से एरिया में हमारे क्लॉथ में। तो पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन क्लॉथ स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। तो जो हमारा अंडर आर्म्स वाला एरिया था वहाँ में ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि क्लोथ्स में आपको वाइट वाइट पैचेज हो जाएंगे, ठीक है। तो दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाय सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वेट। तो ये मार्क क्यों हो जाता है, तो ये मार्क जो है आपके स्वेट में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उनकी वजह से होता है, ठीक है। तो द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। तो क्या स्वेट जो है, पसीना जो है वो कोई अदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो वी नो डैट द वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट मटका इज कूलर। तो हमें ये पता है कि जो पानी है, ठीक है, ये अर्दन पॉट मटका में जो रखा रहता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच काउजेज कूलिंग। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है वो जो मटके में जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उनसे एवापोरेट करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मटका में जो पानी होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है, ओके। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। तो पहली यहाँ जानना चाह रही कि क्या दूसरे एनिमल्स जो हैं वो भी यूरिनेट करते हैं। तो दूसरे एनिमल्स भी करते हैं, आपने देखा होगा गाय को, जो आपके यहाँ बकरी होती है अगर पालते होगे तो आप, ठीक है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके। तो जिस तरह से हमारी बॉडी से ये जो वेस्ट केमिकल्स बाहर निकलते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि उस एनिमल के बॉडी में कितना ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं जैसे कि मछलियाँ हो गई, वो सेल वेस्ट को रिलीज करती है, वेस्ट को रिमूव करती है एज अ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के फॉर्म में, जो क्या होता है डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। सम लैंड लाइक एनिमल्स लाइक बर्ड्स लिजार्ड स्नेक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड यूरिक एसिड। और कुछ जो है एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, लिजार्ड्स हो गए, इनका आपने देखा होगा कि वेस्ट आपको कुछ वाइट वाइट कलर का दिखते रहता है, सेमी सॉलिड टाइप का, ठीक है, जो क्या होता है यूरिक एसिड होता है, ठीक है, और ये इनको इनका रिमूवल करते हैं। तो इनकी बॉडी में पानी उतना ज़्यादा ये लोग नहीं पीते हैं, पानी नहीं होता है, हम लोग हैं ह्यूमंस हैं पानी पीते हैं, एनिमल्स जो भी पानी पीते हैं तो उनका उनमें उस तरह से रिमूवल होता है। तो उनकी बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या जो है एक्सक्रीट कर रहे हैं। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। तो ह्यूमन में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया होता है, ओके।
समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। तो कभी कभी क्या होता है, किसी आपने सुना होगा किसी की किडनी खराब हो जाती है तो उसमें किडनी जो है दोबारा दूसरी किडनी जो है उसको डोनेट होती है, किडनी दूसरी लगाई जाती है या फिर आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है डायलिसिस के थ्रू। तो एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेल्योर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो जब किडनी फेल्योर हो जाता है, किडनी काम नहीं करने रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर करना होता है ब्लड को, उससे हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको ऑब्जॉर्व करता है किडनी, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जब किडनी ही काम नहीं करेगा तो ये फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा और हमारा ब्लड में क्या होगा, इम्प्योरिटीज जमा होती जाएंगी। तो उस तरह से हमारे ब्लड में जो है वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगते हैं। तो सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो ये पर्सन जो है तब तक जिंदा नहीं रह सकता है जब तक कि इसके ब्लड को जो है एक टाइम टू टाइम जो है इसको पीरियोडिकली जो है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जो है फिल्टर किया जाए, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ओके, तो सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। तो अच्छा, यहाँ पे वो बताया जा रहा है कि क्या स्वेटिंग का कोई और भी फंक्शन है। ओह सॉरी, नीचे गए। यहाँ पे पूछा गया था कि डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, तो क्या जो है स्वेटिंग से कोई कोई अदर फंक्शन भी है। तो स्वेटिंग के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी जो है कूल होती है। ठीक है, जब आपको, आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उस टाइम अगर आप फैन चला लो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है ना, जब एकदम इंस्टेंट कूलिंग मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि मटका में जिस तरह से कि इवेपोरेशन होता है मटका में पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वो मटके में जो छेद होता है उससे पानी इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाता है, जिसके अंदर की पानी ठंडा होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी से जो है गर्मी बाहर निकलती है पसीने के थ्रू और हमारी बॉडी जो है इस तरह से कूल रहती है। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। ओके, तो हमारा ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खत्म हो गया, वो टॉपिक हमने देख लिया, किस तरह से ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, हमने एक्सक्रीशन भी देख लिया, किस तरह से रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब हम प्लांट्स में देखें किस तरह से प्लांट्स में जो है एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुँचाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट में देखेंगे, एनिमल्स का हो गया हमारा। ओके, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 वीडियो में। ओके, तो आज के वीडियो में हमारा पार्ट 2 वीडियो यहीं पे जो है एंड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, चैनल नॉलेज हार्ट को। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।